राष्ट्रवादी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री अनिल देशमुख ने दावा किया है कि विदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर टूट का प्रभाव नहीं है, यहां संगठन शरद पवार के साथ है। उन्होंने यह भी कहा कि गोंदिया व भंडारा को छोड़ कहीं भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर बगावत का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाजपा राजनीतिक दलों में टूट की राजनीति करने लगी है। राकापा के कुछ वरिष्ठ नेता केवल सत्ता के लिए सरकार में शामिल हुए हैं। नागपुर शहर व जिले में कुछ पदाधिकारी को छोड़ सभी पदाधिकारी शरद पवार के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। रविवार को पत्रकार वार्ता में देशमुख ने कहा कि राज्य में राजनीतिक उथल पुथल के लिए भाजपा जिम्मेदार है। लोकसभा चुनाव में पराजय की आशंका से भाजपा विविध दलों में टूट के प्रयास कर रही है। पहले 50 करोड़ लेकर शिवसेना के नेता गए, अब हमारे दल के नेता सत्ता के साथ गए हैं। इस घटनाक्रम का चुनाव में परिणाम दिखेगा। अरे इतके वर्ष या सर्व नेत्यांना आमच्या सारख्या सर्वांना हे सर्व बसले त्यांना साहेबांनी आदराचं स्थान दिलं, मान सन्मान दिला, अनेकांना महत्त्वाचं पद दिलं। अनेक आदरणीय शरद पवार साहेबांच्या आशीर्वादाने 20-20 वर्ष मंत्री होते, अनेक महत्त्वाचे पक्षामध्ये पदाधिकारी होते। पण एकाएक ज्यांनी पक्ष उभा केला, ज्यांनी पक्ष घडवला महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्राच्या बाहेर, त्यांच्यावर अशा पद्धतीने आरोप करून निघायचं। आदरणीय शरद पवार राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे आमच्या पक्षाचे, त्यांना वयाचं का कारण सांगून त्यांनी आता घरी बसायला पाहिजे। आता तुम्हाला सगळ्यांना कल्पना आहे की या वयामध्ये सुद्धा आदरणीय शरद पवार साहेब 18-18, 19-19 तास फिरत राहतात महाराष्ट्रामध्ये, महाराष्ट्राच्या बाहेर, कधी ट्रेननी प्रवास, कधी बाय रोड प्रवास, कधी विमानाने प्रवास, सातत्याने 24 तास फिरत राहतात। कशा पद्धतीने पक्ष वाढेल, कशा पद्धतीने जनसामान्यामध्ये जाऊन जनसामान्याचे प्रश्न समजून घ्यायचे, यासाठी आज पवारसाहेब या वयामध्ये सुद्धा म्हणजे तरुण लोकांना हेवा वाटावा अशा पद्धतीनं या वयामध्ये सुद्धा पवारसाहेब फिरत असतात। आणि त्यांना 83 आता 83 सुप्रियाताईंनी अतिशय चांगलं सांगितलं की अनेकांचं वय 82 आहे, अनेकांचं वय 83 आहे, कुणाचं 85 आहे, कुणाचं 87 आहे। आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन, यांचं काय वय? मी ऐकलं त्यांना 87 वर्षाचे आहेत। आज ते अमेरिकेसारख्या देशाचे पंतप्रधान म्हणून, राष्ट्राध्यक्ष म्हणून काम करतायत। अनेक नावं त्याच्यामध्ये घेता येतील, त्याची सुप्रियाताईंनी अनेक नावाची यादी सांगितली। रतन टाटा असो, तुमचे काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री साहेब फारूक अब्दुल्ला साहेब असो, ते तर 85-86 वर्षाचे आहेत। अमिताभ बच्चन असो, असे अनेक नावं आहेत की ज्याला ज्याला वयाची काही मर्यादा नाही, इच्छाशक्ती पाहिजे। आणि पवार साहेबांचं वय जरी 82-83 असलं तरी इच्छाशक्ती त्यांची 40 वर्षाच्या तरुणाची जशी राहायची तशी त्यांची इच्छाशक्ती आहे। शेर कभी बुढा नहीं होता, और साहब शेर नहीं है, साहब बब्बर शेर है। शरद पवार की उम्र को लेकर बयान दिए गए, लेकिन इस उम्र में भी पवार राज्य का भ्रमण करेंगे। येवला में उनकी सभा में बड़े पैमाने पर भीड़ थी, जनता को अब अजित पवार पर विश्वास नहीं रहा। साथ ही साथ देशमुख ने कहा कि जब राकापा के कुछ नेता सत्ता में शामिल हो रहे थे तब मुझे भी अजित पवार की ओर से ऑफर मिला था, लेकिन शरद पवार हमारे नेता है, उनके नेतृत्व पर मेरे समान अनेक पदाधिकारियों को विश्वास है, इसीलिए मैंने अजित पवार के ऑफर का नकार दिया। ठीक है, मी गेलो नहीं इथे, अरे मी सीनियर असल्यामुळे ऑफर राहणारच, सांगा लागते, चला धन्यवाद। पत्रकार वार्ता में शब्बीर विद्रोही, प्रवीण कुटे, धुनेश्वर पेटे सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजेंद्र मोहोड़ के साथ क्षितिज देशमुख, NBC News नागपुर।